सम ऑफ सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो खासकर प्रिंटएफ से रिलेटेड हैं और उन्हें समझने की कोशिश की जा रही है। तो प्रिंटएफ स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं जो स्ट्रिंग प्रोसेसिंग करता है इन सी प्रोग्रामिंग में। अब सी प्रोग्राम में ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग का क्या मतलब है और ये कैसे क्या करता है इसको समझते हैं इसी वीडियो में। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसको हम stdio.h कहते हैं, उसमें परिभाषित होता है। और जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी तीन तरह की स्ट्रीम होती हैं जो अपने आप जुड़ जाती हैं प्रोग्राम की तीन स्ट्रीम, जिसमें एक होती है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जो कीबोर्ड से कनेक्टेड होती है, मतलब कीबोर्ड से जो इनपुट देते हैं उसको वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम डायरेक्टली लेती है, मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेती है। दूसरी है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम जो स्क्रीन से जुड़ी होती है, मतलब स्क्रीन पर उसका आउटपुट आता है। और थर्ड स्ट्रीम होती है एरर स्ट्रीम जो भी स्क्रीन से कनेक्टेड होती है, मतलब उनका स्क्रीन पर आ जाता है आउटपुट। हालांकि ये ऑटोमेटिकली है, उसके अलावा आउटपुट के जो भी साधन हैं जैसे स्पीकर्स हैं, प्रिंटर है जिन पे आउटपुट देखा जा सकता है, उन सब जगहों पर ये कनेक्टेड हो जाता है। हम मेनली इस वीडियो में स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो अब फॉर्मेट आउटपुट विद प्रिंटएफ, प्रिंटएफ का फॉर्मेट क्या होता है आउटपुट का? तो प्रिंट ऐप लिखने का तरीका ये होता है, एक प्रिंट ऐप स्टेटमेंट, फिर पेरेंथिसिस के अंदर हम लिखते हैं फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग और बाद में कोमा लगा के बाकी आर्गुमेंट्स लिखते हैं, पेरेंथिसिस क्लोज करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ ये जो फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग है ये डिस्क्राइब करती है आउटपुट का फॉर्मेट, मतलब आउटपुट कैसा होगा वो ये डिसाइड करती है फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग। प्रिंट ऐप के अंदर पेरेंथिसिस के बाद में सबसे पहले जो लिखते हैं वो डिसाइड करता है कि आउटपुट कैसा होगा। और आगे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ऑप्शनल हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं यहाँ से कि ये जो फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग है इसमें कन्वर्जन स्पेसिफायर कितने लिए। कन्वर्जन स्पेसिफायर अभी के लिए ये समझा सकता है कि परसेंटेज साइन जहाँ जाएगा वहाँ एक कन्वर्जन स्पेसिफायर होगा, तो जितने परसेंटेज साइन होंगे उतने ही अदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे बाहर ये कन्वर्जन स्पेसिफायर्स होंगे और उतने ही ये अदर आर्ग्यूमेंट्स उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट में देने होंगे। ईच कन्वर्जन स्पेसिफायर बिगन्स विद ए परसेंट साइन, मतलब ये परसेंट साइन जो होता है उससे कन्वर्जन स्पेसिफायर स्टार्ट होता है और इसका एंड है वो एक कन्वर्जन स्पेसिफायर पर होता है। मतलब ये सिंगल करेक्टर नहीं होता है कन्वर्जन स्पेसिफायर, जो फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग है वो यदि उसमें कन्वर्जन स्पेसिफायर या एस्केप सिक्वेंस नहीं आते, एस्केप सिक्वेंस के बाद में बात करेंगे, तो कन्वर्जन स्पेसिफायर या एस्केप सिक्वेंस नहीं आती है तो वो वैसा का वैसा आउटपुट में आ जाता है। यदि उसमें कन्वर्जन स्पेसिफायर या एस्केप सीक्वेंस में से कोई एक आता है तो वहाँ कुछ और आउटपुट में आता है। तो पहले हम कन्वर्जन स्पेसिफायर की बात कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर यदि परसेंटेज साइन नहीं लिखा होगा तो वैसा वैसा आउटपुट आएगा, परसेंटेज साइन होगा तो ये अदर आर्ग्यूमेंट्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उन पर डिपेंड करेगा। और वो कहाँ तक डिपेंड करेगा, तो परसेंटेज साइन से स्टार्ट होकर एक कन्वर्जन स्पेसिफायर तक। कन्वर्जन स्पेसिफायर हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या कौन कौन से हैं, तो वहाँ तक वो काम नहीं करेगा और वहाँ पर आउटपुट आएगा ये अदर आर्ग्यूमेंट जो है उससे। यहाँ पर कई कन्वर्जन स्पेसिफायर्स हैं जो उसी तरह से जैसे कन्वर्जन स्पेसिफायर को लिखा जाता है उस तरह से वो जो भी आउटपुट स्ट्रिंग है उसको कंट्रोल करता है, उसमें आउटपुट है उसको फॉर्मेटिंग देता है आउटपुट को, जैसा हमें दिखाना है वो इस कन्वर्जन स्पेसिफायर से डिसाइड किया जाता है। ए फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स द फॉर्मेट इन विच द आउटपुट वैल्यूज अपियर। तो ये फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग है ये ही निर्धारित करते हैं कि अपना आउटपुट है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले में आया है वो कैसा आना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। इसमें जो फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग होती है इसमें कन्वर्जन स्पेसिफायर्स होते हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्लैग्स होते हैं, फील्ड विड्थ्स होती हैं, मतलब इसमें क्या आउटपुट में लेना है उसके फ्लैग फील्ड विड्थ, मतलब ये कितनी कहाँ से कहाँ तक इसको आउटपुट देना है,
प्रिसीजंस, मतलब जैसे कोई रियल नंबर है तो दशमलव के बाद में, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट प्रिंट करनी है, लिटरल करेक्टर्स मतलब जो कई बार फॉर्मेटिंग होती है, जैसे हमें डेट प्रिंट करनी है तो उसमें हमें स्लैश लगाना है, हाइपन लगाना है, सो ऑन, जो भी इस तरह के इनपुट होते हैं उन सब को ये कन्वर्जन स्पेसिफायर्स में डिसाइड किया जाता है। अब प्रिंटिंग इंटीजर एरेज, अब इंटीजर एरेज को प्रिंट कैसे करें, पहले इंटीजर्स को कैसे प्रिंट करें, तो इंटीजर्स आर प्रिंटेड विद द फॉलोइंग कन्वर्जन स्पेसिफायर डी और आई फॉर ऑप्शनली साइंड इंटीजर्स। जो साइंड इंटीजर्स मतलब इंटीजर जो हैं, जिन जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए उनको प्रिंट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में कन्वर्जन स्पेसिफायर जो काम में लिया जाता है वो डी है या आई काम में ले सकते हैं। डी या आई दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही बिहेव करेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में। यदि ऑक्टल नंबर है, अनसाइंड ऑक्टल नंबर, तो उसके लिए ओ काम में लिया जाता है कन्वर्जन स्पेसिफायर। यदि अनसाइंड इंटीजर है, मतलब हम बिना साइन के ले रहे हैं, तो यू काम में लिया जाता है मेनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। यदि हेक्साडेसिमल नंबर है तो अपर केस या लोअर केस या अपर केस एक्स काम में लिया जाता है। और जो मॉडिफायर होते हैं, जैसे इंटीजर है उसको कम बिट्स में, कम बिट्स का इंटीजर लेना है या ज़्यादा बिट्स का इंटीजर लेना है नॉर्मल जो होता है उससे, तो उसके लिए एच या एल प्रीफिक्स लगा देते हैं, मतलब उससे पहले जो भी कन्वर्जन स्पेसिफायर है डी है तो उससे पहले एच लगा देंगे, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए एच, डी से पहले एल लगा देंगे, इस तरह से इसमें चेंज कर लेते हैं। तो मैन यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लिखा है उसमें डी और आई है वो डिस्प्ले करता है साइंड डेसिमल इंटीजर्स, और डेसिमल इंटीजर हम उनको दशमलव पद्धति वाले जो पूर्णांक हैं उनको प्रिंट करता है, उनको प्रदर्शित करता है। उसके बाद में आई है उसको हम दूसरे तरीके से कहें तो ये साइंड डेसिमल इंटीजर्स को प्रिंट करता है, जैसे डी कर रहा है वैसे ये करता है। यहाँ आई और डी जो स्पेसिफायर्स हैं उनको स्कैन ऐप में यूज करने पर थोड़ा डिफरेंस रहेगा, प्रिंट ऐप में ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। जो अनसाइंड डेसिमल इंटीजर है उसके लिए यू काम में लेते हैं, अनसाइंड ऑक्टल नंबर के लिए ओ काम में लेते हैं, और उसके बाद में हम देखें अक्स, तो अक्स है वो अपर केस या लोअर केस, वो हेक्साडेसिमल के लिए काम में लेते हैं। यदि हम अक्स काम में लेते हैं तो जो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर्स में जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाद में ए बी सी डी ई एफ होते हैं, और ए बी सी डी ई एफ को अपर केस या लोअर केस में लिखना होता है। यदि अक्स को हमने अपर केस में लिखा तो वो भी आउटपुट में अपर केस में आएंगे, यदि अक्स को हमने लोअर केस में लिखा है तो वो भी लोअर केस में आएंगे ए टू एफ। और उसके बाद में हम बात करें एच की या एल की, तो ये कोई भी कन्वर्जन स्पेसिफायर है उसको शॉर्ट, लॉन्ग या मतलब जैसे नॉर्मली 64 बिट मशीन में इंटीजर है वो 32 बिट का होता है। यदि हमें 32 बिट्स काम में नहीं लेनी है, हमें कम 16 बिट्स ही काम में लेनी है, तो हम शॉर्ट काम में लेते हैं। यदि हमें पूरी 64 बिट काम में लेनी है तो हम लॉन्ग काम में लेते हैं, लॉन्ग इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर। वो नॉर्मली हम जो इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं या इंटीजर काम में ले रहे हैं उसमें मेमोरी कम यूज हो या अपना इंटीजर 32 बिट्स में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये एक लिमिट होती है कि 32 बिट का इंटीजर ले रहे हैं तो 2 to the power 31 - 1 से बड़ा इंटीजर नहीं हो सकता है। यदि अपनी कैलकुलेशन उससे बड़े इंटीजर्स को काम में लेना चाह रही है तो उसके लिए हम लॉन्ग काम में लेते हैं, और यदि अपना बहुत कम में काम चल रहा है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हम मशीन को ज़्यादा लोड ना दें इसके लिए हम शॉर्ट काम में लेते हैं जिसमें वो 16 बिट्स ही काम में लेगा। तो उस तरह के जो मॉडिफायर होते हैं कि हमें पूरा नहीं काम में लेना होता, उसके लिए हम एच या एल, शॉर्ट के लिए एच और एल, लॉन्ग के लिए एल प्रीफिक्स लगा देते हैं। मतलब हम नॉर्मली परसेंटेज डी लिख रहे हैं कन्वर्जन स्पेसिफायर के रूप में, तो यहाँ पर परसेंटेज एच डी लिख देंगे शॉर्ट के लिए और परसेंटेज एल डी लिख देंगे लॉन्ग के लिए। तो ये लॉन्ग ये पहले लगा देते हैं। अब यदि आप लॉन्ग लॉन्ग दो बार लगा देते हो तो और ज़्यादा बड़ा जो मतलब यहाँ डबल एल डी हो जाएगा कन्वर्जन स्पेसिफायर, और जो इंटीजर है वो 128 बिट का हो जाएगा। हालांकि 64 बिट मशीन में डबल लॉन्ग का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो 128 बिट्स की मशीन नहीं है, तो उस तरह की कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगी।
इनको लेंथ मॉडिफायर कहते हैं, एच और एल है उनको लेंथ मॉडिफायर कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल है डिफरेंट टाइप के जो कन्वर्जन स्पेसिफायर इंटीजर्स थे उनको कैसे प्रिंट करें उनको समझने के लिए। तो पहला है परसेंटेज डी, उसमें एक नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये नंबर वैसा वैसा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ बाद में परसेंटेज आई, उसमें वैसा वैसा प्रिंट हो जाएगा। परसेंटेज डी में यहाँ देखो ये प्लस साइन है, ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पहले वाले दो सिंपली प्रिंट किए थे, बाद में यदि माइनस साइन है तो ये प्रिंट होगा। एच डी यदि शॉर्ट इंटीजर है तो ये यदि इस रेंज में तो वैसा वैसा प्रिंट हो जाएगा, यदि बड़ा नंबर दे दिया तो उस तरह से प्रिंट नहीं होगा। एल डी, परसेंटेज एल डी में ये एल लिखा है इसको लॉन्ग रिप्रेजेंट करने के लिए इस नंबर को, तो ये नंबर नॉर्मल इंटीजर में इतना बड़ा नंबर प्रिंट नहीं होगा लेकिन इसमें हो जाएगा। परसेंटेज ओ ये ऑक्टल नंबर को प्रिंट करता है लेकिन हमने आगे 1729 लिखा है तो ये 1729 को कन्वर्ट करेगा ऑक्टल में। ये डेसिमल है 1729, इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्टल नंबर होगा वो प्रिंट कर देगा। परसेंटेज यू ये अनसाइंड करेगा, तो 1729 यदि पॉजिटिव नंबर देते हैं तो एज इट इज़ इसको प्रिंट कर देगा, लेकिन हम यदि यहाँ नेगेटिव दे देते हैं तो यहाँ ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग अनसाइंड इंटीजर, तो यहाँ क्या करेगा जो 32 बिट में अनसाइंड को यदि लेता है तो जो लेफ्ट साइड की जो वन बिट होगी उसको ये वन कर लेगा, और उसको वन वन मतलब नेगेटिव साइन के लिए किया है, और फिर हम उसको अनसाइंड के रूप में कर रहे हैं तो ये 32 बिट एक ऐसा नंबर है जिसमें लेफ्ट साइड में वन है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या इंटीजर बनता है वो प्रिंट करेगा। तो ये नंबर एकदम अलग होगा, जो डायरेक्टली देखने पर उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको यदि कैलकुलेशन करके देखेंगे तो कंप्यूटर क्यों प्रिंट कर रहा है ये समझ में आएगा। ये रैंडम नंबर नहीं होगा, ये इस नंबर से रिलेटेड ही एक नंबर होगा। यदि इसको चेक करना हो तो यहाँ 1729 की जगह 1728 1730 कुछ आसपास के नंबर प्रिंट करके देखिएगा तो वो जो प्रिंट होगा उसमें भी एक डिजिट का ऐसा ही डिफरेंस आएगा। परसेंटेज एक्स, तो 1729 के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर है उसको प्रिंट करेगा लोअर केस में, और 1729 है यदि यहाँ परसेंटेज एक्स लिखा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर को अपर केस में प्रिंट करेगा। और अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, तो ये देखो आउटपुट इस तरह से ही है। पहला परसेंटेज डी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1729 आ गया, दूसरा भी एजिटीज आ गया, तीसरे में प्लस साइन नहीं आया, चौथे में माइनस साइन जो था वो वैसा वैसा आ गया, बाद में शॉर्ट वाला भी आ गया, लॉन्ग वाला भी आउटपुट में आ गया। यहाँ लॉन्ग वाले में आउटपुट में एल लिखा हुआ नहीं आया है, तो कई बार ऐसी मिस्टेक हम जब कर देते हैं। देखो एल है, ये एरर भी नहीं दे रहा है, यहाँ ये एल इसको लॉन्ग रिप्रेजेंट करने के लिए है, तो कई बार हम यहाँ कुछ और दे रहे हैं और यहाँ एल लिख दें तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है और हमें आउटपुट गलत मिल सकता है। सो ऐसा एल लिखना है तो वहाँ जानबूझ कर लिखें यदि ज़रूरत है तो, अदरवाइज ना लिखें। ऑक्टल वाला आउटपुट देखें तो उसमें 1729 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऑक्टल नंबर है वो 3301 वो प्रिंट हो गया है। अनसाइंड में ये ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर को अनसाइंड के रूप में प्रिंट किया तो एक बहुत बड़ा नंबर प्रिंट हुआ है। इसकी कैलकुलेशन हम करके देख सकते हैं 32 बिट नंबर लिख कर। और उसके बाद में एक्स, तो एक्स में 1729 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया 3C1 और कैपिटल एक्स लिखा, अपर केस एक्स लिखा तो सी है वो कैपिटल अपर केस में आ गया। यहाँ ये कैलकुलेशन यदि हम देखना चाहें 1729 की, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं पहले कि ये नंबर कैसे आया। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं बोर्ड काम में ले रहा हूँ जिसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये बोर्ड अभी काम नहीं कर रहा है, तो हम इस बोर्ड पे लिखते हैं कुछ बिट्स। तो किस तरह से लिखते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, जैसे पहले 1729 है, इसी को हम लिखते हैं 1729, और इस नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको दो से डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करने पर आता है 864 और 1 आ जाता है रिमाइंडर। बाद में फिर दो से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 432, रिमाइंडर आता है 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 216, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है 108।
रिमाइंडर जीरो, फिर टू से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आता है 5, 4, रिमाइंडर इज अगेन जीरो, फिर टू से डिवाइड करते हैं तो ये 2, 7, रिमाइंडर इज जीरो, फिर टू से डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है 1, 3, रिमाइंडर इज 1, फिर टू से डिवाइड करते हैं नंबर आता है 6, रिमाइंडर इज 1, फिर टू से डिवाइड करते हैं डिवाइड इज 3, रिमाइंडर इज 0, फिर टू से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1 और रिमाइंडर इज 1, फिर टू से डिवाइड करते हैं तो भाग जाता है 0 टाइम्स और रिमाइंडर आता है 1। अब इसको हम इसको इस ऑर्डर में लिख लेते हैं, इस ऑर्डर में इस नंबर को लिखते हैं तो ये बनता है 1 1 0, 1 1 0 0 0 0 0 and 1, ये है 1 7 ऑन बेस 2 किसके इक्वल, 1 7 2 9 के इक्वल जो कि बेस 10 था। ये नंबर है, हम इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, इसको 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 0 है तो इसको 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 प्लस 2 to the power 6 प्लस 2 to the power 7, फिर ये 2 to the power 8, ये 2 to the power 9 और ये 2 to the power 10। तो ये जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 की पावर लगा दी, जो लेफ्ट साइड में 0 से स्टार्ट होके बढ़ती गई, और फिर इनको ऐड किया तो ये 1 प्लस इधर 2 to the power 6 है, 2 to the power 6 होता है 64, 2 to the power 7 होता है 128, 2 to the power 9 होता है 512 और 2 to the power 10 होता है 1024। इनको हम ऐड करके देख लें तो 4 and 1 5, 5 and 8 13, 14 15, 15 and 4 19, 1 6 and 1 7, 7 and 2 9, 1 10, 10 and 10 and 2 12, 2 1 बाद में 1 and 1 2, 2 and 5 7 and 0 7 और 1। तो ये नंबर इस तरह से वापस हम ला सकते हैं। अब यदि हम नेगेटिव साइन की बात करें तो ये देखो बिट्स हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बिट्स हुई हैं तो 11 बिट्स में 11th बिट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना नंबर आ गया 2 to the power 10। यदि यहाँ पर 0 0 लेफ्ट साइड में लगाते हुए एक 1 लिख दें जो कि 32th बिट होगी तो हमें एक नंबर ऐड करना पड़ेगा इसमें जो कि होगा 2 to the power 31। अब 2 to the power 31 कितना होता है तो 2 to the power 31 को यदि हम देखें तो ये मुझे याद नहीं है तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ और यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ तो 2 to the power 32, 31 मैं यहाँ कैलकुलेटर दिखा नहीं रहा हूँ डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये नंबर आता है 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 7 2 9। यदि ये नंबर इसमें ऐड करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है और जो हमें नंबर मिलता है वो हम कर लेते हैं कैलकुलेट,
तो ये नंबर मिलता है मैन 7 4 and 2 6 6 and 7 13 3 and 1 4. ये यहाँ गलती से 6 लिखा गया, ये 6 नहीं होगा, यहाँ होगा 7 एंड देन 8 4 7 4 1 2 ये नंबर होना चाहिए, लेकिन अपना नंबर जो है वो ये नहीं है, हमें जो नंबर मिला है वो कुछ इससे डिफरेंट मिला है। तो ये डिफरेंट कैसे मिला है, तो यहाँ इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है। तो यहाँ जो गड़बड़ की है वो है टू टू पावर 31 की बजाय मैं टू टू पावर यहाँ 32 जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, मतलब ये नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करूँ तो क्या मिलता है वो देखते हैं। तो टू टू पावर 32 पहले चेक करते हैं, टू टू पावर 32 क्या होता है, और टू टू पावर 32 मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, तो ये नंबर होता है 4294 4294 देन आगे है 9672 9676 और इसमें 1729 ऐड कर देता हूँ तो नंबर बनता है 5120 और 9 देन 6 9 4 9 2 4। अब अपना नंबर जो है वो देखते हैं, तो अपना नंबर इससे कितना मैच करता है वो चेक कर लेते हैं। तो अपना जो नंबर था जो लिखने पर आया था एक बार मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ जो नंबर दिखाया है वो है 4294965568, तो वो नंबर भी एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, वो है 4294965568 5568। तो ये नंबर तो अपने नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, ये इस नंबर से भी डिफरेंट है। तो मैं एक दूसरा काम करता हूँ वो इस नंबर को समझने के लिए, तो मैं ये नंबर जो कैलकुलेट किया था इसको मिटा देता हूँ और इस बार मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस नंबर को, और सब्ट्रैक्ट ये नंबर नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ 6961728 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, लास्ट वाली डिजिट है उससे एक कम, लास्ट वाली डिजिट 9 थी उससे एक कम सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलता है 8 6 5 5 6 9 4 9 2 4 ये नंबर हमें मिलता है। तो ये है कुछ एक मैंने एग्जांपल लेके के देखे हैं चेक करने के लिए कि कौन सा नंबर मिलेगा। तो हमें यदि अनसाइंड में प्रिंट करेंगे किसी भी नंबर को तो हमें मिलेगा 2 to the power 32 + 1 माइनस जो नंबर हमने लिखा है वो नंबर, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में मिलेगा। ये दिखाना भूल गया, तो यदि मैं इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1728 को 2 to the power 32 में से तो ये नंबर आ जाता है, और ये नंबर एग्जैक्टली वही नंबर है जो हमारे प्रिंट हुआ है। तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा 2 to the power 32 + 1 माइनस जो नंबर हमने वहाँ लिखा है, हमने लिखा था 1729
हमने लिखा था -1729, और इसको एज ए अनसाइंड इंटीजर प्रिंट करना चाहा तो हमें ये मिल गया। ये है 32 बिट मशीन के लिए। यदि आपकी मशीन 64 बिट है तो ये नंबर मिलेगा। यदि आपकी मशीन ही 32 बिट है, 64 बिट मशीन के लिए था, यदि आपकी मशीन ही 32 बिट है तो ये नंबर कन्वर्ट होकर हो जाएगा 2 to the power 16 -1 +1 माइनस जो नंबर है। यहाँ जैसे हमने 1729 लिखा तो ये, तो आपको ये मेरे पास जो नंबर आया है उसकी बजाय ये नंबर मिलेगा। तो ये इसका कैलकुलेशन है। हालांकि इस कैलकुलेशन का आपने कहा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि इस तरह के नंबर हमें यूज नहीं करने होते। लेकिन यदि इस तरह की हम गलती कहीं कर देते हैं तो अपना रिजल्ट पूरा चेंज हो जाता है, इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो आगे देखते हैं। तो अब हम इस एग्जाम्पल को रियल में रन करके चेक कर लेते हैं। तो रियल में इसको रन करने के लिए मैं लिनक्स में जो टर्मिनल होता है उस पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर जो अपना प्रोग्राम है उसका नाम है प्रिंट इंट। तो मैं प्रिंट करने पहले प्रोग्राम को चेक करता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम है जो अब स्क्रीन पे है। ये वही प्रोग्राम है जिसमें कुछ इंटीजर्स को प्रिंट किया है, पहले stdio.h इंक्लूड किया है, 1729 को डिफरेंट वेज में प्रिंट किया गया है। 1729 नंबर इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये रामानुज हार्डी नंबर है जो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो वही सारे इनपुट यहाँ पर दिए हैं, और अब इसका आउटपुट हम चेक कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, gcc-o प्रिंट इंट .c। ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, और अब हम इसको रन कर लेते हैं। जब रन करते हैं तो वही आउटपुट आता है जो हमें पहले मिला था। तो यहाँ पर हमें आउटपुट उसी तरह से मिल गया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ कोई इनपुट नहीं था तो हमें कोई वेरिएशन प्रोग्राम में कर नहीं सकते। हाँ, हम प्रोग्राम में देखते हैं कुछ चेंज किया जा सके तो। तो प्रोग्राम में क्या चेंज करके देखा जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेशल। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने लिख रखी हैं। हालांकि आप कुछ भी आए दिमाग में कि ये कैसे करें तो प्लीज़ राइट इन इट इन कमेंट में लिख दो, मैं उसके लिए भी एग्जांपल देके या वहाँ आपको बता दूंगा यदि आपके दिमाग में कोई भी खुरापात आता है। तो अब हम वापस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो आगे जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, मतलब रियल नंबर्स को कैसे प्रिंट करें। तो रियल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हम जो नोटेशन काम में लेते हैं वो है ई, जी और एफ। तो ई, एफ और जी काम में लेते हैं। नॉर्मली कहें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के जो कन्वर्जन स्पेसिफायर हैं जो यहाँ स्क्रीन पे दिखा रखे हैं उनमें है, उन कन्वर्जन स्पेसिफायर में इसमें लोअर केस और अपर केस ई, जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, मतलब कोई भी नंबर है जो साइंटिफिक फॉर्मेट में, मतलब नंबर टाइम्स 10 to the power 10 की घात के रूप में, यहाँ डिस्प्ले में ई लिखा आएगा लेकिन उसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power, उसको जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखा उसको गुणा कर रहे हैं हम 10 की घात से। तो वहाँ डिस्प्ले में मशीन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं तो वहाँ ई लिख रहे हैं हम लेकिन उसका मतलब है 10 की पावर। एफ है वो रेगुलर फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है, मतलब कोई भी रियल नंबर को इसी प्रोग्रामिंग में हम प्रिंट करते हैं तो वहाँ हम एफ ही लिखते हैं। जी है या लोअर केस या अपर केस जी, यहाँ देखो अपर केस ई का मतलब है वो ई हम टाइप डिस्प्ले में दिखा रहे हैं, वहाँ यहाँ ई लिखने पर लोअर केस ई आएगा, अपर केस ई कन्वर्जन स्पेसिफायर के रूप में लिखने पर आउटपुट में भी अपर केस ई लिखा आएगा। और जी और कैपिटल जी ये जो हैं, अपर केस और लोअर केस जी जो हैं, वो दोनों काम करते हैं, एफ वाला भी और ई वाला भी। किस तरह से, तो ये इसमें एक रूल होता है जो रूल आगे बता रहा हूँ। तो वो है कि ये ई वाला फॉर्मेट साइंटिफिक फॉर्मेट काम में लेंगे यदि जो नंबर है प्रिंट हम करना चाह रहे हैं उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो -4 से कम है या +4 से ज़्यादा है तो वो ई की तरह काम करेगा, और बाकी केसेस में वो ऐप की तरह काम करेगा। लेकिन ऐप की तरह काम करने में भी एक डिफरेंस रहेगा,
जो प्रिसीजन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ही प्रिंट करेगा, मतलब फालतू में जो आगे जैसे एफ हम प्रिंट करेंगे तो हमें पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में सिक्स डिजिट्स तक नंबर मिलेंगे, यदि वो कोई नंबर नहीं है तो 0000000 मिल जाएंगे, एंड जी के केस में वो नहीं मिलेंगे, ये रहेगा डिफरेंस। तो अब हम एक एक फिर से इनको रिवाइज करें, तो ई है वो किसके लिए काम में लिया जाता है, वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो साइंटिफिक फॉर्मेट है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर को प्रिंट करने के लिए काम में किया लिया जाता है। एफ है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन जिसमें पॉइंट दिखाया जाएगा उसके दोनों तरफ के नंबर दिखाए जाएंगे उस फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिक्स डिजिट तक ही ये प्रिंट करेगा, उससे ज़्यादा डिजिट है तो हमें मैनुअली उसको बताना पड़ेगा कि उससे ज़्यादा डिजिट या कम डिजिट डिस्प्ले में लानी है। ये अपर केस एफ है, ये विजुअल सी प्लस प्लस कंपाइलर है उसमें सपोर्ट नहीं करता है, मतलब यदि आप विजुअल सी प्लस प्लस जो विंडोज़ का इनबिल्ट कंपाइलर है वो काम में लेते हो तो अपर केस एफ काम नहीं करेगा, तो उस केस में आपको लोअर केस एफ ही काम में लेना पड़ेगा। लिनक्स में ये काम करते हैं, डेव सी प्लस प्लस काम में ले रहे हो तो डेव सी प्लस प्लस में भी ये काम करते हैं। बाद में हम कह रहे हैं डिस्प्लेइंग ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन आइदर द फ्लोटिंग पॉइंट, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले में आ रहा है परसेंटेज जी से वो ई या ई के कॉरस्पॉन्ड अपर केस ई या लोअर केस ई के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमने जी अपर केस या लोअर केस लिखा उसके लिए, और एफ के मिक्स्ड फॉर्म आता है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। देन हम एक प्रोग्राम देखते हैं, इस प्रोग्राम में हमने लोअर केस ई अपर केस ई एफ और जी इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रिंट करना चाहा है, तो यहाँ पर जो ई है उसमें भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर दिए हैं, तो यहाँ ये पॉजिटिव प्लस लिखा है ये इसको इग्नोर कर देगा, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर ये एक फिक्स नंबर लिखा 1 1 2 3 4 5 6 7.89, तो हम देखते हैं आउटपुट में क्या क्या चेंज आता है। तो यहाँ पहले आउटपुट यहीं लिख रहा हूँ, तो ई जहाँ भी लिखा है जैसे शुरुआती चार में ई लिखा है तो ये क्या करता है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रिंट कर देता है, तो यहाँ पर 1.23456 8 ये 8 यहाँ 7 की जगह 8 लिखा है वो है इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है 6 बिट्स पे, और आउटपुट में आ गया इन ई प्लस 06, इसका मतलब है इनटू 10 to the power +6। जब ये प्लस लिखा तो ये प्लस इग्नोर हो गया, बाकी ऊपर वाले जैसा ही नंबर आया। यहाँ माइनस लिखा तो माइनस इग्नोर नहीं होता क्योंकि वो नंबर नेगेटिव हो जाता है। देन हमने अपर केस ई लिखा तो यहाँ ई लोअर केस ई की जगह अपर केस ई प्रिंट हो गया, और जब F लिखा तो F लिखने पर ये नंबर वैसा वैसा प्रिंट हुआ और दशमलव के बाद में सिक्स डिजिट्स प्रिंट हुई हैं। यदि हम G लिखते हैं तो ये 10 to the power +4 से ऊपर जा रहा है नंबर, इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रिंट हो गया है। अब हम इस नंबर को देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं रन करके, रन करने के लिए हमें टर्मिनल में जाना होगा, और टर्मिनल में प्रोग्राम का नाम है प्रिंट फ्लोट, तो एक प्रोग्राम ये चेक कर लेते हैं ओपन करके, ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम वही प्रोग्राम है जो अभी अभी हमने देखा स्लाइड्स में, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए gcc-o प्रिंट फ्लोट, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं और रन करने पर वही आउटपुट हमें मिल रहा है जो आपने अभी अभी देखा अपनी स्लाइड में, तो ये इसका आउटपुट है। यदि इसमें हम कुछ चेंज करके देखना चाहें तो प्रोग्राम में हम कुछ चेंज करके देख लेते हैं, और वो चेंज करते हैं जैसे यहाँ पर जी वाले में मैं 3 ही पावर 4 में ना जाए ऐसा नंबर लिख के देख लेता हूँ, एफ वाले में मैं देख लेता हूँ क्या देखूँ, यहाँ तो कुछ खास देखने को नहीं है। तो हम यहाँ पर इन नंबर्स को चेंज कर देते हैं परसेंटेज जी के अंदर, इसमें ऐसा नंबर लिख देते हैं जो 10^10 में ना जाए, तो ऐसे नंबर को प्रिंट कैसे करेंगे, और यही बदलाव हम ई वाले में भी करके देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या बदलाव होता है। तो जी वाले में और ई वाले में पिछली बार अपना प्रिंट सेम था, अब ई वाले में और जी वाले में हम सेम इनपुट देते हैं, जैसे ये फर्स्ट लाइन वाला ई है और ये अपर केस ई है,
परसेंटेज जी, पिछली बार परसेंटेज जी और परसेंटेज ई का आउटपुट अपना सेम रहा था, इसलिए इस बार नंबर थोड़ा चेंज कर दिया है और अब देखते हैं दोनों के आउटपुट में क्या अंतर आता है। और भी बेहतर रहेगा कि सब जगह ये परिवर्तन कर देते हैं, ये सब जगह छोट नंबर को छोटा कर दिया है। अब हम इसमें कंपाइल एंड रन करके देखेंगे, तो यहाँ पर ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है और अब हम रन करके देखें तो यहाँ रन करने पर हम देखते हैं कि ई वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आ रहा है अब भी, लेकिन फ्लोट जो था वो सिंपल एफ से जो आ रहा था उसमें यहाँ पॉइंट के बाद में चार जीरो आ रहे हैं, और जो जी वाला था उसमें अब एक्सपोनेंशियल की बजाय परसेंटेज एफ का जो आउटपुट था वैसा आउटपुट आ रहा है, सिर्फ लास्ट में जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो नहीं आ रहे और कोई अंतर नहीं है। तो अब मैं मेरे प्रोग्राम को वापस चेंज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग्स एंड करेक्टर्स, स्ट्रिंग्स एंड करेक्टर्स को कैसे प्रिंट करें। तो ये अपना मेन टॉपिक भी था, तो स्ट्रिंग्स एंड करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए हम कन्वर्जन स्पेसिफायर जो काम में लेते हैं वो है सी, स्ट्रिंग के लिए सी है और स्ट्रिंग के लिए एस है। मतलब करेक्टर क्या होता है, सिंगल करेक्टर है तो वो करेक्टर है और एक से ज़्यादा करेक्टर एक साथ हैं तो वो स्ट्रिंग है। एक नल करेक्टर होता है जो कहीं डिस्प्ले में नहीं आएगा लेकिन स्ट्रिंग का एंड है वो नल करेक्टर पे माना जाता है। यदि कहीं नल करेक्टर लिखना हो तो उसको हम बैकस्लैश जीरो से लिखते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी देखने की कोशिश करेंगे संभव हुआ तो। अब हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो एक करेक्टर नाम का इस प्रोग्राम में एक करेक्टर नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू ए है, ए एक करेक्टर है। यदि इस तरह से प्रोग्राम में कहीं करेक्टर देना हो, ये वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम नॉर्मली वेरिएबल नेम रहेगा लेकिन यदि वैल्यू देनी है तो यहाँ इसको सिंगल कोट के अंदर दिखाना पड़ेगा तो ये है करेक्टर। यदि स्ट्रिंग है तो उसको हम डबल कोट में देंगे जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स एक से ज़्यादा होंगे। तो स्ट्रिंग को देने का एक तरीका होता है करेक्टर एरे बनाना, जैसे यहाँ बनाया है। दूसरा तरीका होता है हम पॉइंटर बनाना, जो पॉइंटर बनाने का तरीका होता है उसमें स्टार लगा देते हैं। वो पॉइंटर क्या है, ये एक अलग पॉइंट है लेकिन स्ट्रिंग के लिए खासकर हम यहाँ इसको इस तरह से ले सकते हैं। स्टार लगा दिया तो ये पॉइंटर बन जाता है और ये भी एक स्ट्रिंग बन जाती है। इनको प्रिंट करने का मेथड, तो नॉर्मल करेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमने परसेंटेज सी काम में लिया है और इससे एक करेक्टर प्रिंट हो जाएगा, बैकस्लैश एन से न्यू लाइन में चला जाएगा। हमने एक करेक्टर और प्रिंट किया तो सिंपली करेक्टर को डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ ये वेरिएबल नेम है तो इस वेरिएबल की वैल्यू है ए। यहाँ पर हमने एक अक्ष नाम का करेक्टर डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश की है। उसके बाद हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग को एक तो इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, परसेंटेज एस लिखा और बाद में आर्ग्यूमेंट के रूप में हमने स्ट्रिंग दे दी। दूसरा, हम इस स्ट्रिंग को डायरेक्टली फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिख कर भी प्रिंट कर सकते हैं। और तीसरा है, हमने जो स्ट्रिंग है वो वेरिएबल जो स्ट्रिंग है उसके ये आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो हटा दें तो एक स्ट्रिंग है, और उसको हम परसेंटेज एस कन्वर्जन स्पेसिफायर से प्रिंट कर दें। और पॉइंटर वाले का भी इसी तरह से स्टार हटा दें तो वो एक स्ट्रिंग है और उसको परसेंटेज एस से प्रिंट कर दें। यदि हम इसका आउटपुट देखना चाहें तो आउटपुट कुछ इस तरह से है, जैसे शुरुआत में करेक्टर था जिस एक वेरिएबल नेम जिसकी वैल्यू ए थी तो ए प्रिंट हो गया। दूसरे में हमने एक्स को प्रिंट करना चाहा तो वैसा वैसा एक्स प्रिंट हो गया, और उसके बाद में हमने जो भी स्ट्रिंग्स थी परसेंटेज एस से प्रिंट की, फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग से प्रिंट की, फॉर्मेट स्ट्रिंग में इसी स्ट्रिंग लिख दी, या जो एरे वाली स्ट्रिंग थी वो स्ट्रिंग प्रिंट की, या हमने करेक्टर जो पॉइंटर वाली स्ट्रिंग थी वो प्रिंट की, सब स्ट्रिंग्स प्रिंट हो रही हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं एक एग्जांपल, इसको एग्जांपल को रन करके। तो एग्जांपल को रन करने के लिए हम वापस टर्मिनल पे चले जाते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम है उसका नाम है प्रिंट str.c। तो ये वो ही प्रोग्राम है जो अभी अभी हमने लिखा। थोड़ा सा जूम इन करके देख लेता हूँ क्योंकि ये दो लाइन में जा रहा है। तो यहाँ पर एक करेक्टर एरे डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग लिखी, बाद में कॉन्स्टेंट ये पॉइंटर वेब में लिखा, उसके बाद में करेक्टर को प्रिंट किया, एक कॉन्स्टेंट करेक्टर को प्रिंट किया, परसेंटेज एस से एरे को मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट किया, स्ट्रिंग को डायरेक्टली विदाउट कन्वर्जन स्पेसिफायर
प्रिंट किया, उसके बाद में स्ट्रिंग को जो एरे वाली स्ट्रिंग थी उसको प्रिंट किया, देन पॉइंटर वाली स्ट्रिंग को प्रिंट किया। और हम अब चेक करते हैं यहाँ पर, देखो महत्वपूर्ण ये है कि ये जो स्ट्रिंग यहाँ लिखी है और ये लिखी है ये वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल नेम है स्ट्रिंग और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल नाम वाला है इसको बिना कन्वर्जन स्पेसिफायर के हम प्रिंट नहीं कर सकते। ये जो ऊपर वाला है उसको हम बिना कन्वर्जन स्पेसिफायर के प्रिंट कर सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट करके देख कंपाइल और रन करके देखते हैं, तो कंपाइल एंड रन करके देखें तो हम इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के लिए gcc print str माइनस ओ प्रिंट str, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और अब इसको हम रन कर रहे हैं तो रन में वही आउटपुट आया जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कुछ और प्रोग्राम लिखते हैं और चेक करते हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे। तो हम ये अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड की है, देन मेन फंक्शन के अंदर हम अपने स्ट्रिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रिंट एफ और इसमें सिर्फ फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग और न्यू लाइन, और इसको हम चेक करें तो ये कंपाइल कर लेते हैं gcc माइनस ओ प्रिंट str, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। और अब रन कर रहे हैं तो ये वैसा का वैसा आउटपुट आ रहा है जैसा प्रोग्राम में था। प्रोग्राम में हमने जो लिखा था फर्स्ट एंड सेकंड str डॉट डॉट डॉट, तो वो वैसा का वैसा आउटपुट में आ गया है। अब हम इसमें फिर से कुछ चेंज करते हैं और हम यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड की जगह %s लिख देते हैं, %s। और फिर यहाँ आर्गुमेंट, क्योंकि दो कन्वर्जन स्पेसिफायर हैं इसलिए दो आर्गुमेंट आएंगे, पहला आर्गुमेंट में फर्स्ट लिख देते हैं और दूसरे आर्गुमेंट में सेकंड लिख देते हैं। और अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। अब पहले प्रोग्राम देख लेते हैं, ये प्रोग्राम है, इसको कंपाइल किया तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। और अब हम रन कर रहे हैं, ये सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पर आउटपुट वो ही है जो पहले आया था, लेकिन ये आउटपुट कहाँ से आया है, ये इस स्ट्रिंग से आया है। कुछ हम चेंज करके देखते हैं क्या इसी से आया है, तो हम फिर से प्रोग्राम को चेंज करते हैं और प्रोग्राम में यहाँ फर्स्ट की जगह कुछ और लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हम लिख देते हैं समथिंग, और यहाँ पर लिख देते हैं एवरीथिंग। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट में यहाँ चेंज आता है। तो हम इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं, पहले प्रोग्राम को यहाँ डिस्प्ले में ले आते हैं जिससे हमें प्रोग्राम दिखाई दे। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, एंड रन करते हैं। तो रन करने पर हम देखते हैं कि ये पहला जो परसेंटेज है इसकी जगह समथिंग आ गया है और दूसरे परसेंटेज है इसकी जगह एवरीथिंग आ गया है। मतलब यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये डिसाइड कर किए जा रहे हैं कि यहाँ कितनी बार कन्वर्जन स्पेसिफायर दिया है। इस स्ट्रिंग में हमने परसेंटेज एस दो बार लिखा है, इसलिए दो बार ये दो हमने हमें दो बार ही ये स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट इनपुट आर्ग्यूमेंट देनी पड़ रही है, और इस ये दोनों आउटपुट में वैसी की वैसी आ रही हैं। तो ये हो गया प्रिंट स्ट्रिंग। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको कंपाइल नेक्स्ट हम करेंगे। नेक्स्ट हम वापस स्लाइड पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ लिटरल्स एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस हैं और प्रिंट ऐप में कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस का क्या क्या काम है। तो यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस में है सिंगल कोट, यदि हमें कहीं सिंगल कोट प्रिंट करना होगा तो
तो हम बैकस्लेस के आगे कोटेशन मार्क लिखेंगे, डबल कोट प्रिंट करना होगा तो बैकस्लेस के आगे डबल कोटेशन मार्क लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के लिए बैकस्लेस के आगे क्वेश्चन मार्क, डबल बैकस्लेस के सिंगल बैकस्लेस आउटपुट में लाना हो तो हम डबल बैकस्लेस लिखेंगे, हमें एक अलर्ट टोन यदि लेनी हो तो बैकस्लेस ए लिखेंगे, बैक स्पेस के लिए बैकस्लेस बी लिखेंगे, बैक स्पेस का मतलब है एक करेक्टर पीछे चला जाएगा, परसेंटेज एफ के लिए हम यदि लिखेंगे, परसेंटेज एफ नहीं ये स्केप सीक्वेंस है, स्केप सीक्वेंस का मतलब देखो हमने कन्वर्जन स्पेसिफायर लिखा वहाँ हमने कहा था कि परसेंटेज आने पर उसका मीनिंग बदल जाएगा लेकिन बैकस्लेस आने पर भी उसका मीनिंग बदल जाता है, तो बैकस्लेस का क्या मीनिंग होता है तो वो उसके आगे वाले करेक्टर से मिलकर डिसाइड करता है, तो बैकस्लेस के आगे एफ लिखने का मतलब है न्यू पेज और फ्रॉम फीड, देखो यह मूव द कर्सर यहाँ आगे इनको एक्सप्लेन कर रखा है, तो जैसे बैक स्पेस के लिए मूव द कर्सर बैक वन पोजीशन ऑन द करंट लाइन, उसी लाइन में एक करेक्टर पीछे चला जाएगा, मतलब पीछे जो करेक्टर लिखा है उसको ओवरराइट कर देगा, देन परसेंटेज बैक स्लेस एप उससे मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ इन नेक्स्ट लॉजिकल पेज, अगले पेज पर चला जाएगा लॉजिकल पेज पर, बैक स्लेस न्यू लाइन ये है मूव द कर्सर टू बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग शुरुआत में जाएगा, बैक स्लेस आर कैरीज रिटर्न, ये बैक स्लेस आर लिखा है तो उसी लाइन की शुरुआत में चला जाएगा, बैक स्लेस टी से ओरिजेंटल टेब, इससे ओरिजेंटली एक टेब के लिए जो स्पेस होता है नॉर्मली ये 8 करेक्टर का होता है लेकिन जो हम लिख रहे हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये 2 करेक्टर टू 8 वेरी करता है, तो इस तरह कोई स्पेस आ सकता है, बैक स्लेस वी से वर्टिकल टेब आता है मतलब नीचे या ऊपर जो भी डिफरेंस है वो आ जाता है, हम इनको एक एक करके देख लेते हैं, तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखने के लिए हमें टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, ये हम टर्मिनल पे आ गए हैं और अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक प्रोग्राम, बीच में लाइट चली जाने के कारण थोड़ा सा गड़बड़ रहा लेकिन अभी फिर से कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो ये हम प्रोग्राम लिख रहे हैं स्किप सिक्वेंसेज के लिए, तो इस प्रोग्राम में यहाँ पर इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h एंड int main और यहाँ पर हम सिर्फ स्केप सिक्वेंसेज को देखेंगे, तो उनको स्केप सिक्वेंसेज को देखने के लिए जो भी हमने पहले स्केप सिक्वेंसेज दिखाई हैं उनको देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पर बैकस्लेस सिंगल कोट, और इसका आउटपुट देखने के लिए हम थोड़ा सा और बदलाव कर रहे हैं, यहाँ पर 3 टाइम्स ए लिख रहे हैं स्पेस देन सिंगल कोट और उसके बाद में 3 टाइम्स ए और उसके बाद में न्यू लाइन, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा उसके दोनों तरफ ए 3 बार ए लिखा होगा जिससे आउटपुट हमें क्लियरली दिख जाए, तो अब इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं, gcc esc.c-o esc ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, और यहाँ हम देख रहे हैं जो 3-2 बार ट्रिपल ए लिखा था उसके बीच में एक सिंगल कोट आया है, हम नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस के लिए इसी में नेक्स्ट एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो लगा देते हैं और उसमें हम एक यहाँ डबल कोट लिख देते हैं, और अब हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और रन करने पर यहाँ डबल कोट आ गया है, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट, तो थर्ड वाले पॉइंट में हम प्रोग्राम में प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिख रहे थे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, इसी प्रिंट एफ स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क, इसके अलावा उसके बाद में हमने लिखा था बैकस्लेस, तो यदि यहाँ डबल बैकस्लेस लिख देते हैं तो आउटपुट में क्या आता है वो भी यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं, और उसके बाद में इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं, ये कंपाइल किया और रन किया, हमें क्वेश्चन मार्क एंड बैकस्लेस जैसे लिखे थे वैसे मिल गए, बैकस्लेस 2 बार लिखा था लेकिन आउटपुट में 1 बार ही आया है, ये स्किप सीक्वेंस है, उसके बाद में हम इसमें और एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं
तो इस बार हम इन्वर्ट इंक्लूड कर रहे हैं ए, तो यहाँ हम देखेंगे एक बैकस्लैश ए के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा, लेकिन ये जो बैकस्लैश ए है इसके कारण एक अलग टोन आएगी, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, यहाँ एक अलग टोन हमें सुनाई देगी, वो अलग टोन ही हमें सुननी है। हम देखेंगे कि आउटपुट में जैसे पहला पिछला आउटपुट ये था, अब हम इसको कंपाइल करते हैं और फिर से रन करते हैं तो आउटपुट में क्या चेंज आता है और टोन क्या आती है या नहीं आती। तो यहाँ पर हमें टोन नहीं सुनाई दी, तो टोन क्यों नहीं सुनाई दी, इसका मतलब मेरी मशीन में अलर्ट टोन ऑफ हैं। तो मैं मेरी मशीन में एक बार अलर्ट टोन्स को चेक कर लेता हूँ कि मुझे अलर्ट टोन क्यों नहीं सुनाई दी, उसके बाद हम फिर से इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आउटपुट में यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला, सिंगल स्पेस दो स्पेस मिले हैं जो उस करेक्टर के पहले और बाद में थे, वो दो स्पेस मिले और कुछ नहीं मिला। तो अलर्ट टोन के लिए मैं मेरी मशीन को चेक कर लेता हूँ उसमें अलर्ट टोन क्यों नहीं आ रही हैं। तो अब हम इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि नोटिफिकेशन टोन को ऑन कर दिया गया है। तो हम यदि इसी प्रोग्राम को पहले प्रोग्राम देख लेते हैं, ये प्रोग्राम है, और अब हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया और हम रन करते हैं, और रन करते टाइम हम देखते हैं तो हमें एक अलर्ट टोन सुनाई देती है। वो अलर्ट टोन भी हम चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, उसके अनुसार हमें अलर्ट टोन सुनाई देगी। तो ये है बैकस्लैश ए का अलर्ट टोन। उसके बाद में हम प्रोग्राम में कुछ और चेंज करते हैं। यदि आपको अपनी मशीन में अलर्ट टोन नहीं सुनाई दे तो कुछ सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा, और ये यहाँ से मुझे नहीं पता आपके डिवाइस में सेटिंग कैसे करनी है। तो इसमें चेक करें नोटिफिकेशन ऑन है या नोटिफिकेशन या अलर्ट टोन ऑन है, वो सेटिंग में चेक करें। यदि वो ऑन है तो यहाँ पर एक टोन सुनाई देगी, वहाँ पर आप अलर्ट टोन में क्या देना चाहते हो वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये अलर्ट जो बेल है या जो टोन है वो हम मैनुअली सेट कर सकते हैं, बाद में आगे से अलर्ट टोन में वो सुनाई देगी। उसके बाद में हम आते हैं बैक स्पेस पे, तो बैक स्पेस में मैं यहाँ बी लिखता हूँ, और यहाँ बी लिखने पर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम को कंपाइल किया एंड देन रन किया, तो यहाँ बैक स्पेस लिखने से हमें नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। तो इसको हम फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है लेकिन इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है, तो हम कुछ और तरह से इसको ट्राई करते हैं। ये ही सेंटेंस हम रिपीट करते हैं और उसमें हम लिख देते हैं यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी और उसके बाद ई एफ जी एच, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आना चाहिए ए बी सी डी, उसके बाद बैक स्पेस बी का इफेक्ट आना चाहिए और उसके बाद ई एफ जी एच आना चाहिए। तो अब हम इसको देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो कंपाइल किया और रन किया तो हम देखते हैं ए बी सी आया है, डी गायब हो गया है, देन ई एफ जी आ गया है। तो बैक स्पेस बी का मतलब हुआ वो एक करेक्टर पीछे चला गया, और वहाँ पर हमने ई प्रिंट कर दिया तो उस करेक्टर को ओवरराइट कर गया, डी को मिटाकर उसकी जगह ई प्रिंट कर दिया है। हम एक बार और इसको ट्राई करते हैं, और उसमें हम ई की जगह खाली स्पेस रख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या चेंज आता है। तो ये प्रोग्राम लिखा, उसको सेव किया, देन हम कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करके हम रन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ई की जगह स्पेस रखा तो स्पेस आ गया, मतलब वो वहाँ वाला करेक्टर पहले वाला करेक्टर गायब हो जाएगा। बैक स्लैस बी का मतलब एक बैक स्पेस जाएगा, एक स्पेस पीछे जाएगा, मतलब वहाँ जो कुछ लिखा वो ओवरराइट हो जाएगा। एक और ट्राई करते हैं हम, और हम यहाँ पर लास्ट में भी न्यू लाइन की बजाय बैक न्यू लाइन से पहले बैक स्पेस बी लिख देते हैं और इसमें चेक करते हैं क्या चेंज आया। तो यहाँ कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, उसके बाद स्किप सीक्वेंस न्यू लाइन थी। तो
यहाँ एच गायब नहीं हुआ है, मतलब हम आगे उस पर कुछ ओवरराइट नहीं करते हैं तो वो नहीं चेंज होगा, लेकिन यदि हम वहाँ कुछ लिख देते हैं तो वो ओवरराइट हो जाएगा। कोई भी विजुअल करेक्टर या स्पेस दे देते हैं तो वो ओवरराइट हो जाएगा। हम एक और ट्रायल करते हैं और हम यहाँ पर बैक स्लैश बी के बाद में एक टेब देते हैं जिसको आगे देखेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर भी ये ओवरराइट नहीं होता है। यदि बैक स्लैश टी दे देते हैं तो टेब मिल जाता है लेकिन डी ओवरराइट नहीं होता है। तो यदि हम बैक स्लैश बी के बाद में न्यू लाइन या टेब देते हैं तो पीछे वाला करेक्टर ओवरराइट नहीं होता है। हम एक और कोई स्केप सिक्वेंस जैसे यदि बैक स्लैश दो बार लिख देंगे तो क्या होता है ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ओवरराइट हो जाता है, मतलब ये दो ही कंडीशंस में ओवरराइट नहीं होता है। और वो हैं या तो हम न्यू लाइन दे दें या टेप दे दें, उस केस में उस स्थिति में ये ओवरराइट नहीं होता, बाकी सब स्थितियों में ये ओवरराइट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं और नेक्स्ट अपना है F, तो F को हम लिखते हैं और चेक करते हैं क्या आउटपुट में आता है। तो कंपाइल किया एंड रन किया, यहाँ हम देख सकते हैं ये एक स्पेस था, वो स्पेस आने के बाद में ये एकदम उसके नीचे आ गया है, जहाँ F लिखा था वहाँ उसके जस्ट नीचे आ गया है। हम इसको और ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए यहाँ ये जो खाली स्पेस था वो हटा देते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जहाँ बैक स्लैश एफ लिखा वो एग्जैक्टली नीचे आ गया है और वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। ये बैक स्लैश एफ से होता है और उसके बाद में अपना नेक्स्ट करेक्टर था बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन हम हर लाइन में लिख के देख चुके हैं, न्यू लाइन में आ जाता है। हम लाइन के बीच में बैक स्लैश एन लिख के देख लेते हैं तो बैक स्लैश एन और बैक स्लैश एफ वाले में अंतर भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ बैक स्लैश एफ की जगह हम बैक स्लैश एन लिख देते हैं और यहाँ करेक्टर्स ए ए ए लिखने की बजाय बी 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 लिख देते हैं। जिससे अंतर अच्छे से देखने को मिल जाए। तो हम देख रहे हैं जब F लिखा था तो एग्जैक्टली नीचे आके लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन B के केस में अगली लाइन में शुरुआत में लिखना स्टार्ट कर देता है। ये F और N का अंतर है। अब हम नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है R, उसको देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ N की जगह हम लिख देते हैं R। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें नहीं पता चल रहा क्या हुआ है, तो हम फिर से लिखते हैं, फिर से कुछ चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर बी की जगह लिख देते हैं, बी की जगह हम सी लिख देते हैं। और यहाँ चार नहीं, मैं छः बार सी लिख रहा हूँ और फिर आगे मैं बी की जगह डी लिख देता हूँ चार बार। सी छः बार लिखा है, डी चार बार लिखा है। अब इसका अंतर स्पष्ट करूँगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जब इसको मैं रन कर रहा हूँ तो हम देख रहे हैं कि चार बार डी पहले आया है, सी दो बार आया है, मतलब उसने छः बार सी लिखा था, उसके बाद आर क्या करता, उसी लाइन की शुरुआत में लाकर छोड़ देता है। हमने चार बार डी लिखा तो चार सी ओवरराइट हो गए और उसके बाद में प्रोग्राम बंद हुआ, तो वो बाकी दो सी अपनी जगह रह गए। उसके बाद में हम नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस लेते हैं और नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है टेब। तो देखो यहाँ पर हमने ये बी लिखा, यहाँ अब हम बी की जगह टी लिख देते हैं और देखते हैं कि इन जो ए लिखे हैं इनमें क्या अंतर आता है। टी को कई तरह से लिखते हैं हम, तो हम और कुछ चेंजेज करके देखते हैं और सब में देखते हैं क्या अंतर आता है। अब ये बैक स्लैश टी यहाँ पर लिखते हैं
उसके बाद में ये बैक स्लैश टी यहाँ पर लिखते हैं और अंतर देखते हैं इन तीनों में क्या अंतर है। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और जब हम रन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट अलाइन हो जाता है, बैक स्लैश टी के बाद में जो लिखा है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। तो यहाँ पर स्पेस कम हो गया है, तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे से लिखने के लिए और कई बार लिखते हैं। ये ऊपर वाले जो भी हैं वो सारे हटा देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो वापस लिख लेंगे। सिर्फ हम बैक स्लैश टी को बार बार लिखते हैं और हम चेक करते हैं कहाँ पर लिखने पर क्या हो रहा है। ओ ये क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बैक स्लैश टी यहाँ शुरुआत में लिखते हैं, देन उसके आगे ये सेंटेंस रिपीट करते जाते हैं और बैक स्लैश टी की पोजीशन बदल देते हैं और देखते हैं उससे क्या अंतर आता है। एक करेक्टर के बाद में ये दो करेक्टर के बाद में और इस तरह से यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी तो और भी लिखेंगे। तो हम यूँ करते हैं यहाँ एक की संख्या बढ़ा लेते हैं और इतने के लिए देखते हैं। यहाँ हम देख आप देखेंगे कि बैक स्लैश टी शुरुआत में लिखा है, बाद में एक एक करेक्टर छोड़ के आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ए हैं वो 7 हैं। एक और बढ़ा लेता हूँ जिससे पूरा ही अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर बैक स्लैश टी के बाद में एक ए है। तो यहाँ हर लाइन में बैक स्लैश टी की स्थिति बदलती जा रही है। और अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। पहले प्रोग्राम को यहाँ लिख लेते हैं, ये प्रोग्राम है, इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो गया है और अब हम इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं सारे अलाइन हो गए हैं, सारे जो बैक स्लैश टी के बाद वाले हैं वो सब अलाइन हो गए हैं। अब इसमें अलाइनमेंट में हम गड़बड़ी देखना चाहते हैं कि क्या गलती होती है, तो हम एक और लाइन इसमें जोड़ देते हैं और उसमें हम करते हैं ये लास्ट वाली पंक्ति है इसको ही कॉपी करते हैं और यहाँ एक की संख्या एक और बढ़ा देते हैं सब में। और अब यहाँ जो पहले हमने देखा उससे कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि जब बैक स्लैश टी एक स्पेस तक तो ठीक था, एक स्पेस से जो ही अब हम बिना स्पेस वाली कंडीशन में आएंगे तो ये बैक स्लैश टी है उसका इफेक्ट आगे दिखने लग जाएगा। अब हम यदि और आगे बढ़ेंगे तो सारे बैक स्लैश टी के बाद वाले वापस अलाइन होंगे लेकिन नेक्स्ट लेवल पे। यहाँ ये यहाँ पर ही अलाइन हो गए थे, अब ये उससे आगे 8 करेक्टर आगे जाकर अलाइन होंगे, लेफ्ट अलाइन मतलब लेफ्ट साइड से एक जगह। तो ये है बैक स्लैश टी का इफेक्ट। और उसके बाद में है बैक स्लैश वी। तो वी के लिए हम यहाँ जो टी लिखा है इसी जगह वी लिख कर देखते हैं। यहाँ एक जगह लिख के देख रहा हूँ, बाद में हम और जगहों पर भी लिख कर देखेंगे। तो यहाँ देखो वी लिखने से क्या हुआ है, वी लिखने से ये आगे आ गया है, आगे वाला लाइन में आ गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ तो वापस टी कर देते हैं और ये पूरे कॉलम होने के बाद में हम टी के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो टी के लिए जो स्टेटमेंट टी नहीं वी के लिए जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें हम यहाँ कोई और करेक्टर दे देते हैं, 4 टाइम्स बी दिया है और 4 टाइम्स सी दे देते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो ये ऑलमोस्ट उसी तरह से है जैसे एफ के लिए आया था, जो एफ हमने लिखा था बैक स्लैश एफ उसके सिमिलर ही हमें आउटपुट देखने को मिला है। तो ये हैं कुछ एस्केप सीक्वेंसेस। ये यहीं ख़त्म करते हैं।